Cosa fa un tappo? सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, मैं हूँ दियादित्य, आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वी आर वाइल्ड लवर में। और आज आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ है फॉन्कनियर, जो कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है। आपको सबको पता होगा कि फॉन्कनियर के बारे में थोड़ा बहुत, तो मैं इतना बहुत जानकारी दे सकता हूँ आपको जितना हमें जानकारी है। तो ये है इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर बर्ड, आप देख सकते हो, जिसका नाम है फॉन्कनियर। और ये अभी बच्चा है, लगभग 3 या 4 महीने का अभी ये जो बच्चा है, ये आप देख सकते हो अच्छे से कितना प्यारा सा बच्चा है ये। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फॉन्कनियर के बारे में। फॉन्कनियर जो है ये ओरिजिन होता है हमारा साउथ अमेरिका से, और इसका जो लाइफ स्पैन है लगभग 15 से लेकर 30 तक है, 15 से लेकर 30 ईयर तक ये सर्वाइव कर पाता है। लेकिन ये वाइल्ड में इतना ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि वाइल्ड में उसका जो खाना पीना वगैरह हो गया, उसका डाइट वगैरह हो गया, वो सब सही से नहीं हो पाता है, इसीलिए ये वाइल्ड में इतना ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे जो लोग जो फार्मिंग करते हैं इसको, या फिर जो इसको ब्रीड करते हैं, इसका सप्लीमेंट वगैरह, उसका सही टाइम पे खाना पीना वगैरह सब सही, जो डाइट उसका पूरा 100 से लेकर 100 तक मेंटेन होता है, इसीलिए ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा तक सर्वाइव कर पाता है। और इसका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, ये पूरे पूरे जो जैसे कि आप कन्यूर की तरह ही साल में 3 से 4 बार तक ये अंडा देता है, और एक बार में 4 से 5 एग देता है, उसमें से कभी कभार तो 3 या 4 बच्चे हो जाते हैं पूरे के पूरे। और आज वजह ये पेड़ के लिए तो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप लोग घर में इसको रख सकते हैं, आइदर ब्रीडिंग के लिए, या फिर आप सिंगली इसको हंटिंग करने के लिए, आपकी बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा। तो फ्रेंड, अभी हम उसका जो फॉन्कनियर का डाइट प्लान वगैरह हो गया, उसको जो खाना पीना, उसके बारे में अभी हम लोग आपको बताएंगे। तो हम उसको जो सुबह के 7 बजे जो 7 AM में उसको हम देते हैं स्प्राउट वगैरह। स्प्राउट होता है जो हमारा काले चना हो गया, जो गेहूँ हो गया, जो मूंग हो गया, उसको हम रात को जो भिजा के, तो सुबह हमको जो देते हैं उसको हम जो स्प्राउट कहते हैं। स्प्राउट के बाद हम 9 बजे उसको देते हैं हमारा वेजिटेबल वगैरह। वेजिटेबल में जैसे कि आपका खीर हो गया, जो कुकुम्बर होता है, या फिर कद्दू वगैरह हो गया, या फिर गाजर वगैरह हो गया, ये आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद 12 बजे हमारा आ जाता है फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स में जैसे कि आ गया हमारा गुआबा हो गया, पपया हो गया, एप्पल हो गया, राफिस हो गया, ये सब आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद हमारा 3 बजे या 4 बजे, 3 से 4 के अंदर आप उसको दे सकते हैं जो हमारा सीड मिक्स आता है, जो हमारा जो ड्राई फ्रूट आता है, जो बाट का सीड मिक्स आता है, वो आप लोग उसको दे सकते हैं। उसके बाद उसके पूरे के पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम को पूरे के पूरे दिन का उसका जो डाइट प्लान हमारा जो खत्म हो जाता है, शाम को फिर उसका जो खाना पीना रहोगे, उसका केज में जो रहता है, उसको आप लोग बाहर जो निकाल के पूरे के पूरे जो केज को आप वॉश करके फिर नेक्स्ट डे आप ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं, सही जो खाना पीना। तो ये आप जो देख सकते हैं फॉन्कनियर का ये जो छोटा बेबी है अभी, ये जिसके लिए इसका कलर अभी पूरे के पूरे नहीं है आया है, क्योंकि अभी ये जो छोटा बच्चा है, जब ये जो बड़ा हो जाएगा, उसका जो कलर ये वाला आई की साइड वाला कलर है, या फिर इसका जो नीचे वाला जो गर्दन के नीचे वाला कलर जो साइड है, ये पूरे के पूरे रेड आ जाएगा। और इसके जो बॉडी के साइड में ऊपर आप ये जो देख सकते हो जो ग्रीन कलर का है, ये पूरे के पूरा येलो साइड में आ जाएगा। ये अभी छोटा बच्चा है, लेकिन इसके लिए अभी इसका कॉलर पूरे के पूरे नहीं आया है। और आप लोग को भी एक अच्छा प्यारा हंटेन हेल्दी वाला फॉन्कनियर चाहिए पूरे के पूरे डीएनए के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले पाइनएप्पल कॉर्नर के वीडियो में, डीएनए क्या होता है, डीएनए क्यों लेना चाहिए हमें, ये आप देख सकते हो। इसका भी एक डीएनए रिंग भी है, ये आप देख सकते हो डीएनए रिंग भी है, मतलब इसका डीएनए हो चुका है। अगर इस तरह आपको एक अच्छा प्यारा सा हैंडटेम वाला फॉन्कनियर चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे
कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप अगर हमसे भी लेते हो या नहीं लेते हो ये कोई मायने लेते हैं, और अगर आप जहाँ से भी संकरण लेते हो आप जरूर उसको ये ध्यान रख के जो लेना है कि उसका जो DNA वगैरह सही है कि नहीं, या फिर आपके संकरण पूरे पूरे हेल्दी और एक्टिव है कि नहीं। तो और कुछ जानकारी चाहिए संकरण के ऊपर तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, या फिर हमें फिर कमेंट करके बता सकते हो। चलो फिर इसी के ऊपर, तो फ्रेंड अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं हो तो आप प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल वाला आइकन है उसे जो दबा दीजिए, और कमेंट लाइक शेयर जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हो। जय जगन्नाथ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय। वो है